रायबरेली के आज मंडी में हम लोग आए हैं धान क्रय केंद्र के पर, जहां देख रहे हैं कि धान किसान लेके आता है और उसका जो लेन देन की समस्याएं लगातार आ रही हैं, अधिकारियों पर शिकायत जा रही हैं, चाहे जिलाधिकारी पे लगातार कोई एप्लीकेशन आती है या फिर सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारा धान नहीं लिया जा रहा है, हमारी ये समस्या आ रही, टोकन नहीं मिल रहा है, पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा, ऐसी कई समस्याएं हैं जो किसान होता है और वो जो धान केंद्र हैं उनके अधिकारियों पे भी आरोप लगाए जाते हैं, मगर असलियत क्या होती है ये तो सामने ही पता चलता है। एक हमारे साथ किसान खड़े हैं, उनका भी धान बिक रहा है, देखते हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? कपिल देव यादव। कहाँ से आए हैं आप? मैं राही ब्लॉक रुस्तमपुर ग्राम सभा। ये सर धान में जो कितना आप गेहूँ ले धान कितना लेके आए थे ट्राली में? नियर अबाउट 50 क्विंटल। क्या समस्या देखने को मिली और कितना मतलब आपको जल्दी एक धान बेचने में फायदा दिख रहा है? नहीं, हमको समस्या कुछ नहीं आई है, बस मैं आया पहले टोकन यहाँ पे लिया, उसके बाद हमको डेट दिया गया, मैं आया डेट में तौला रहा हूँ यहाँ पे। अकाउंट में कब तक पैसा आता है? पैसा 2-3-4 दिन में आ जाता है, पैसा आ भी गया है पहली टाली का हमारा। कोई ऐसी समस्या नहीं है? और पर्सनल हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है और किसी की भी नहीं होगी, समय से काम हो रहा है। आपके साथ और भी साथी किसान आते होंगे, कोई ऐसी समस्या बताते हैं कि कोई ये नहीं आया ये केंद्र पर इस तरह की? नहीं, अभी तक तो हमको कोई नहीं बताया, सर मिला भी नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। कहाँ से आए हैं? गोंदवारा ग्राम सभा से। तो धान बेचने आए हैं? जी धान बेचने आए हैं। कब आए थे आप? हम सुबह आए हैं। अच्छा जी, क्या धान में बेचने में कोई समस्या आ रही है? हमें तो कोई समस्या नहीं आ तक दिखी, जब भी मैं आता हूँ चाहे धान लाऊं चाहे गेहूं लाऊं, हाँ। जो भी लाता हूं, हाँ मानक के थ्रू, हाँ। अगर होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मानक के बाहर होगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। अच्छा, कोई लोग कहते हैं ये नमी है, नमी देखिए गवर्नमेंट 17% तक छूट देती है, 17 से ज़्यादा होगा बताइए, आपको अगर गीला कपड़ा पहना दिया जाए तो आपको ठंड लगेगी गर्म इस ठंडी में, अगर ठंडा धान ज़्यादा गीला होगा तो तौल घटेगी, नुकसान गवर्नमेंट का होगा, तो इससे बढ़िया है कि हम धान को पहले से सुखवा के लाएं, नमी से जितना गवर्नमेंट ने छूट दिया है उसके अंडर लाएं। मतलब आप मानते हैं मानक के अनुसार? जी जी मानक के, ना केंद्र को कोई दोषी नहीं होगी और ना किसान को, नहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी, अगर आप 17% तक हैं तो ना केंद्र को दिक्कत, ना गवर्नमेंट को दिक्कत, ना आपको दिक्कत। जी सत्यम पटेल नाम हमारा, ग्राम दाऊदपुर से आए हैं। अच्छा जी, यहाँ धान बेचने आए हैं आप? जी धान बेचने टोकन के लिए आए हैं। अच्छा, टोकन लेने में क्या कोई दिक्कत हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सही है। पहली बार आए हैं? नहीं कई बार आए हैं। अच्छा, तो अच्छा, काफ़ी सालों से दे रहे हैं। और धान बेचते हैं तो क्या मतलब कोई इस तरह की कोई समस्या? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं आती है, ठीक से ले लिया जाता। अच्छा, यूपी सरकार लगातार इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, किसानों पर दे रही है, केंद्र पर। जी क्या लग रहा है सरकार किस तरह से काम कर रही है, अच्छा है? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। दादा क्या नाम है? रमाकांत। कहाँ से आए हैं? किलौली गांव है, विकास खंड छताओं। क्या बेचने आए हैं मंडी में? धान बेचने आए हैं यहाँ, 3-4 दिन चक्कर लगा रहे हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। तो टोकन नहीं मिला है क्या? टोकन नहीं मिला जी। अच्छा, टोकन देने में आजकल कर देते हैं, कल आइएगा, अधिकारी है नहीं, मीटिंग में गए हुए, इस तरह से रोटा। सरकार तो कह रही है कि लगातार किसानों का मतलब हम सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी कह रहा है। जी सरकार बेशक के लिए तंत्र में इतनी खामियां हैं जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है, और सरकार की तो सरकार अपने दावे कर ही रही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है, मैं सदर तहसील में रहता हूँ, और मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है, मैं ग्राम नगदिलपुर में रहता हूँ। मैं कल भी आया तो मुझको यहाँ बताया गया कि 12 बजे आ जाइए तो टोकन देने वाले आ जाएंगे, फिर मैं 12:30 बजे तक यहाँ बैठा था, कोई नहीं आया। आज फिर बताया गया कि 12 बजे आ जाएंगे, 12 बजे से हम लोग यहीं हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। किस केंद्र पे टोकन मिल रहा है आपको? नहीं इन्होंने बताया कि यहीं साहब आके देंगे, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 6 केंद्र पे। अब नाम नहीं बताया इन्होंने। अच्छा, अमावा ब्लॉक से। अच्छा, क्या समस्या यहाँ किस लिए आए हैं? धान बेचने आए हैं? धान बेचे हैं, रजिस्ट्रेशन करा के देखो। क्या कोई समस्या आ रही है धान में यहाँ बेचने में? अब तो हम टोकन ले जाए भाई, नियम है पहले रजिस्ट्रेशन कराओ फिर टोकन लियो, और टोकन हमका नंबर मिल जाए, तारीख मिल जाए तो धान लेके उबे, तब जब तौला जाए समस्या आई तब तो दे जान। अब रायबरेली से माधव सिंह, पत्रकार टीवी।